नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अय्याज़ मोरस और आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्रामों में आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही यंगस्टर हैं जिन्होंने बहुत कम एज में अपना नाम बनाया और अपने प्रोफेशन में अपनी एक अच्छी पोजिशन हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं सिंथिया ब्लेक रिबेरो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे इनवाइट किया अपने शो में एंड यू मेड मी अ मेंबर ऑफ योर शो। थैंक यू। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इस प्रोफेशन का इंतखाब किया, इसकी वजह क्या थी? सो बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट लॉरेंसिस कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैंने अपना BBA बैचलर्स ऑफ ऑनर्स किया टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से, और वहाँ पर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की। सो बेसिकली मेरा टेक्सटाइल चूज़ करने का तो वैसे कोई इरादा नहीं था, कोई इंस्पिरेशंस वगैरह कुछ भी नहीं थी। इट वाज जस्ट एक आइडिया आया कि करना है कुछ तो कर लिया। बेसिकली मैंने अपनी इंटरमीडिएट जो मैंने किया वो मैंने उसमें प्री इंजीनियरिंग में किया था, और फिर एकदम समर वेकेशन में आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू गूगल और फिर मैंने वहाँ पर देखा अच्छा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है। दिस वाज समथिंग न्यू के मैंने पहली बार सुना और देखा। सो आई रियली वांटेड टू गो इनटू इट। फिर मेरे मम्मी डैडी को बताया तो दे वर नॉट, मेरे फादर तो बिल्कुल उसमें नहीं थे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंट उसमें ऑक्यूपेशंस में। माई फादर इज़ बेसिकली अ टीचर सेंट लॉरेंसिस बॉयज स्कूल एंड माई मदर इज़ बेसिकली अ हेयर स्टाइलिस्ट। तो दोनों की अलग फील्ड थी, दोनों को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना चाह रही है, एकदम एग्जाम वो कर लिया। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा उनको किया तो माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, नो डाउट अबाउट दैट। सो माई फादर वॉज नॉट इन फेवर बट स्टिल ही सेड अच्छा ठीक है, अगर करना है तो हम जाके देखते हैं। वी वेंट फॉर द इंटरव्यू, आई गेव द टेस्ट एंड एवरी थिंग, सो आई वेंट टू। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन वॉज दैट कि यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, 4 घंटे जैसे ना आपको ट्रैवल करना होता था और जो था वो। फिर मैंने टेस्ट दिया, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट यू नो स्टार्ट के कहाँ से इतना वो करना है वो सब कुछ। सो या इट डिड हैपन। फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो एक वो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे सामने के जो है ना, कोई और क्रिश्चियन नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी ना फैमिली के, कुछ होता नहीं कि आपको थोड़ा सा कुछ आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा फील्ड में क्या है क्या नहीं है। सो जब शुरू किया तो फिर चलता गया और होता गया सब कुछ। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये टेक्सटाइल का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान का एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें स्कोप भी है, तो आपने जब इस इंडस्ट्री में आया एजुकेशन के दौरान ही डिसाइड कर लिया था या एजुकेशन के दौरान इसका आइडिया हो गया था स्कोप क्या है और कैसे आपने? नहीं, एजुकेशन के दौरान तो बिल्कुल कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं पे भी आपको जो है ना कोई गाइडेंस मिल नहीं रही होती। जस्ट दैट कि जहाँ आप करते जा रहे हो फिर आपको कोई वो नहीं होता, प्लस आपके सब्जेक्ट्स ऐसे थे जब हम फील्ड में नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत इजी, फैशन डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बहुत है, आप करते जाओगे तो जस्ट अ फन लाइफ। इट्स नॉट अ फन लाइफ एट ऑल। वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज है, प्लस आपके थियोरीज सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है, बहुत घूमना फिरना आपको, बहुत यू नो न्यू मार्केट्स न्यू प्लेसेस वो करने को मिलती हैं, एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। तो उस टाइम पे तो ये था कि नहीं करना है करना है करना है, करती चली गई तो फिर कुछ सामने आया कि यार कुछ अच्छा हो ही जाएगा उसके बाद, बट देर वॉज नो गाइडेंस बेसिकली। और फील्ड में बिल्कुल यू नो आपको स्कोप नहीं नज़र आ रहा था, बिकॉज दैट टाइम यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग राइट दैट टाइम। सो या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल फैशन, फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो इस हवाले से नहीं जानते, क्या डिफरेंस है और क्या स्कोप क्या है इसका? अच्छा, बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ मोर अबाउट फैब्रिक, मोर अबाउट द थ्रेड के कहाँ से कैसे कपड़ा बनना कैसे स्टार्ट होता है, बेसिकली कॉटन कहाँ से आई उसके बाद क्या उसका प्रोसेस है और वो सब कुछ है। एंड इट्स मोर अबाउट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ लाइक प्रिंट्स हो गए आपके जो आपकी बेडशीट पर, होम टेक्सटाइल्स में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ मोर अबाउट स्टाइलिंग, जैसे आपने एक बार कपड़ा बन गया तो उसको स्टाइल कैसे करना है वो भी एक प्रोसेस है। बट बेसिकली आपका जो ना दोनों फील्ड्स कनेक्टेड हैं बट यू कॉन्ट मिक्स दैम, वो दोनों एक अलग उसमें आती हैं, कैटेगरीज में आती हैं। स्कोप आपका है दोनों फील्ड्स में बहुत है, फ्यूचर भी उसका बहुत ब्राइट है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि टेक्सटाइल में यह है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। और जो है आपका फैशन का ये है कि जब तक आपके पास कपड़ा आ रहा है तो आपके पास स्टाइलिंग भी होनी है, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों लिंक बाय लिंक साथ साथ चलने ही वाले हैं, सो इट्स अ लॉन्ग रन फॉर दैट। सही। क्या इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज आप समझते हैं कि यंगस्टर्स में होनी चाहिए या जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं कि वो अपने देखें कि वो एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर या एज अ फैशन डिज़ाइनर जो है वो अपने करियर को प्रस्यू कर सकते हैं? सो बेसिकली आपके पास
पैशन होना चाहिए सबसे पहले तो, कि अगर आपको कुछ करना है आपको जज्बा एक चीज़ का होना चाहिए. उसके बाद आप में जो है ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की चीज़ों की, यार अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हाउ डिड इट स्टार्ट, यानी कि वहाँ से स्टार्ट कैसा. फिर उसके बाद आप में एबिलिटी होनी चाहिए क्रिटिसिज्म की, कि आपको बर्दाश्त कैसे करना है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपको अच्छा लगे या 10 और लोगों को अच्छा लगे. तो आपको ये होना चाहिए कि ठीक है मेरा जो पॉइंट है दैट इज़ इवन वैलिड, बट जो अगले एक बंदे का जो आपका क्लाइंट है जिसने खरीदना है, जिसने आपको आपका प्रॉफिट करना है, आपके बिजनेस को रन करना है, उसको भी अच्छा लग रहा है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट 10 अदर पीपल राइट दैट टाइम. सो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस उसके बाद आप में यू नो वो होनी चाहिए पावर टू ग्रो. सही, आप एक पॉइंट पे ही नहीं बोल सकते ठीक है ओके फाइन आई लाइक दिस आई वांट टू ग्रो इनटू इट सो आई वांट टू कंटिन्यू दैट. ठीक है यू वांट टू कंटिन्यू दैट, बट आपको एक वो होनी चाहिए कि ठीक है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं उस सही फॉर्म में या सही वे में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ. इज इट जस्ट यू नो गिविंग मी अ गुड वे या फिर अदर्स के लिए भी वो एक प्रॉफिटेबल वो है गुड वो है रास्ता. सही, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी और आज हमारी गुफ्तगू जारी थी. हम सिंथिया से हम गुफ्तगू का सिलसिला वापस वहाँ से कनेक्ट करेंगे. मुझे ये बताइएगा कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए. आपने अपने अब्बू का जिक्र किया, अपनी अम्मी का जिक्र किया, तो आप लकी भी रहीं कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया. नॉर्मली जो है वो पेरेंट्स बहुत रिलेक्टेंट होते हैं ख़ासतौर पर लड़कियों के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं. तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, उनका क्या रिएक्शन था और कैसी सपोर्टिव फैमिली कैसे? सो जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी. सर आरिफ बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, बेसिकली उन्होंने बहुत जनरेशन को पढ़ाया स्कूल में, सेंट लॉरेंस बॉयज स्कूल में. माय मदर इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, माय सिस्टर इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, एंड माय ब्रदर इज़ रिसेंटली स्टडिंग इन जर्मनी, एंड माय हस्बैंड हु इज़ इन कैनेडा नाउ ही इज़ वर्किंग ओवर देयर, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एज़ वेल. बताइएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो कितना ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली का सपोर्टिव होना और फैमिली की सपोर्ट होना, खासतौर पर गर्ल्स के लिए कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं उनके लिए जो है वो कितनी सपोर्ट ज़रूरी है पेरेंट्स की? पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको कॉन्फिडेंस आप में देती है. ठीक है, अगर आपको घर से कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है तो आप घर बाहर जाकर कुछ भी अचीव कर सकते हो. So yes, my parents are very supportive throughout my study and career. And right now, even though I'm married, still they're supporting me and, you know, being a part of my growth and everything. So yes, I'm very, you know, blessed to have such great parents. Plus my brother and my sister are even very supportive towards me and guidance. My sister has always been my role model because she has always guided me ki, yeah, do this, do that. That has been a very, you know, strong point for me. Sahi. Aap mujhe ye bataiyega ki bahut sari youngster, khas aur par female dekh rahi hain aapko. कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वालदैन हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, और उनके लिए कौन सी जो स्किल्स हैं, कौन सा जो एटीट्यूड है या कौन सी ऐसी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके लिए कि वो किसी भी प्रोफेशन में ग्रो कर सकें? सो बेसिकली माई फर्स्ट की पॉइंट वुड बी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू कैन अचीव एनी थिंग इन लाइफ. सो येस, आई वॉज लकी इन दैट एंड आई हैव बीन रियली रिस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट्स, आई होप. So, I have been a good kid. So yes, you need your, you know, parents at your back and your support. बिल्कुल. And being a girl, yes, you need support from your parents, your family and your, you know, friends even. आप जब बाहर जा रहे हो ठीक है, हर कोई आपको सपोर्ट उसमें नहीं कर रहा होता, गुड फेवर में गुडविल में सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बट जब कर रहे होते जो लोग कर रहे होते यू नो अप्रिशिएट देम एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो यस. सही, मुझे ये बताइएगा, मैं इससे पहले कि हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाने, क्या आप कहेंगे उन लोगों को जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एट द पॉइंट उनको लगता है कि शायद जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनकी एफर्ट्स है वो कामयाब नहीं होंगी या वो कहीं ग्रो नहीं कर पाएंगे, या चैलेंज क्या आता है, जो माइंडसेट जो है वो कहाँ वो स्टॉप करता है उनको आकर, वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं? ओके, फर्स्ट थिंग आपको अपने आप में बिलीव होना चाहिए कि येस यू कैन डू समथिंग. जब तक आप खुद आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि आप खुद कुछ कर सकते हो, तब तक दुनिया आपके लिए कुछ किसी काम की नहीं है. अगर आप खुद ही इतना अपनी नेगेटिविटी में रहोगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते. जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे, आप एक स्टेप आगे लोगे तो खुदा आपकी खुद मदद करता है आगे कि भाई ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स योर यू नो गोल, तो फिर दुनिया आपको यू नो उस पर वो करने लग जाती है कि आपको सपोर्ट करने लगती है, एंड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन इवन केयर. फाइन,
आई एम टेकिंग स्टेप, मुझे पॉजिटिविटी सामने से मिली, सो आई टेक टू मोर स्टेप्स. सो येस, देयर इज ऑलवेज, यू नो, इफ यू आर पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव अराउंड यू. देन सही. फाइनली हम जो है वो वुमेन डे मना रहे हैं 8 मार्च को, और पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है. मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि एक लड़की का, एक औरत का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी माशरे के लिए, कि वो माशरा जो है वो एक बेहतर माशरा बन सके? एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर वो खुद पढ़ी लिखी होगी, कल को जनरेशन, आने वाली जनरेशन आपकी पढ़ी हुई हो, पढ़ी लिखी होगी. सो येट इज़, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस अगर आप खुद इतने स्ट्रांग हो, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. नॉट बीइंग जस्ट अ यू नो वर्किंग वुमेन, आई एम ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स इवन, आई थिंक सो, बिकॉज इफ आई कैन अचीव समथिंग, अदर्स कैन डू, यू नो, डू दैट टू. सही. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और आपकी इतनी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन के लिए. थैंक यू. थैंक यू. नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वंस अगेन जैसे हम अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी आपको ये मैसेज देते रहे हैं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप कमिटमेंट के साथ, अगर आप अपनी जो है वो पूरी एनर्जी के साथ फोकस होकर अपने मिशन पर, अपने करियर पर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली कुदरत आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देती है. और सिंथिया एक एग्जांपल है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट करते हैं, अगर वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको एतमाद देते हैं, आप माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकते हैं, और इस माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.